हेलो एवरीवन, आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। देखो है क्या, हम लोग 10th से जब बच्चा 11th में आता है तो होता क्या है कि माइंड हम लोग का उस हिसाब से होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करके केमिस्ट्री है नहीं, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं, लेकिन 11th 12th की केमिस्ट्री आगे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक टर्म पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है 11th क्लास का, तो फर्स्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग हम केवल इनिशिएट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं बेसिक टर्म का। हाँ, बहुत ज़्यादा बेसिक से लेकर बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल तक जाएंगे, लेकिन एक बिल्कुल छोटे वर्ड जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, हम वो वाले वर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। हम लोग का पूरी यूनिवर्स, अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करें, पूरे ब्रह्मांड की बात करें, तो पूरे ब्रह्मांड में एक्चुअली में जो चीज है वो है क्या, साइंटिफिकली वो है क्या, फिजिक्स केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग वो चीज है क्या। तो अगर हम ये देखें कि साइंस के अकॉर्डिंग पूरी केमिस्ट्री ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। What is matter and what is energy? क्या matter है, क्या energy है? Matter वो सारी चीजें हैं जो space occupy करता है, जिसका कुछ mass होता है। ये हम लोग already 9th-10th class में पढ़ के आए हुए हैं कि matter वो चीजें होती हैं जो space occupy करते हैं। Like ball, ये ball space occupy कर रहा है, इसका कुछ mass है, marker space occupy कर रहा है। कोई भी चीज ये लाइट हो गई, कोई भी चीज हो गई जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ मास है, दैट इज मैटर। अब मैटर को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो चीजें हैं जो, एनर्जी हम ये कह सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, मींस मैटर को छोड़ के जितनी भी चीजें होंगी, वो चीजें जो हमें ऐसा लगे कि उसमें मास नहीं है, उसमें स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ठीक है, हर एक पार्टिकल में एनर्जी होगी, उसका मास होगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन इससे जो डिफरेंट, मैटर से जो डिफरेंट चीजें आएंगी, जो मैटर से डिफरेंट चीजें मिलेंगी, वो हमें क्या मिलेंगी? एनर्जी। एनर्जी बहुत ब्रॉड में है, बहुत ज्यादा ब्रॉड में एनर्जी को क्लासिफाई करेंगे तो लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है ATC। तो एनर्जी, ये सारे टर्म्स हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको क्लासिफाई नहीं किया है। मैं अपने केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करूं यूनिवर्स को, तो दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज एनर्जी। अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, फर्स्ट वन इज फिजिकल कंपोजिशन एंड सेकंड वन इज केमिकल कंपोजिशन। तो क्लास, फिजिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर मैटर को क्लासिफाई किया गया, तो फिजिकल कंपोजिशन क्या होता है? फिजिकल कंपोजिशन मींस फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अगर मैटर को क्लासिफाई किया जाए, तो तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया, सॉलिड लिक्विड गैस तीन है। तो फिजिकल कंपोजिशन मींस फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तीन है हमारे, सॉलिड लिक्विड गैस, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सॉलिड जिसका वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है, जिसकी शेप हमारी फिक्स होती है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है, इसका वॉल्यूम और शेप कुछ नहीं फिक्स होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करें तो सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस मिलती है हमें गैस में, उससे कम मिलती है लिक्विड में, और सबसे कम मिलती है सॉलिड में। तो सॉलिड लिक्विड गैस क्लास, ये इतना आपको ऑलरेडी आता है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे टर्म है जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हमारे लिए नए टर्म्स आए हुए हैं, तो इनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं। तो अब केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आगे हम लोग अपने पार्ट में, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर केमिस्ट्री में मैटर को क्लासिफाई किया जाए, तो एक प्योर सब्सटेंस होते हैं और एक मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जो किसी से मिक्स होकर नहीं बने होंगे, जैसे लाइक एलिमेंट। कंपाउंड को भी प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में रखा गया है क्लास, एलिमेंट में हमारे क्या आते हैं? एलिमेंट में आते हैं मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, हम जानते हैं मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस आर नोन एज मेटल, नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रो निगेटिव सब्सटेंस, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, वो सब्सटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड। दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं हमें, वो क्या कहलाते हैं? मेटलॉइड। अब अगर हम बात करें कंपाउंड को और कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में।
ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एलिमेंट और कंपाउंड की। एलिमेंट और कंपाउंड की अगर हम बेसिकली बात करें तो एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हम ये कह सकते हैं एटम होती है, और कंपाउंड की सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म हमारी क्या होती है, मॉलिक्यूल होती है। अब क्या होता है एटम, जो सिंगल एलिमेंट होता है वो हमारा कहलाता है एटम। लाइक जैसे हमने कह दिया Na, Na सोडियम, ये क्या है एटम है। सोडियम क्या है, Na क्या है एटम है। यहाँ पे Na हमारा क्या है एटम है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर क्या बना होता है मॉलिक्यूल। तो वो बहुत बेसिकली बात है, सबको ये लग रहा होगा ये बेसिक डाटा है, ये तो मुझे आता है। हाँ बिल्कुल मालूम है ये आता है, लेकिन कोरिलेट करना है ना, कोरिलेट कैसे किया गया, कैसे चीजों को कोरिलेट किया है, कौन किसके अंदर आता है, और नीचे जाने के बाद ये जब डाटा हम पढ़ेंगे ये बहुत डिटेल में है। इसकी सबकी कैटेगरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कैटेगराइज किया गया है, बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट किया गया है इनको। तो अब देखते हैं जरा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एटम से बना कोई चीज होगी तो वो हमारी मॉलिक्यूल के अंदर आ जाएगी। लाइक अगर हम कहते हैं कि H हाइड्रोजन एक एटम है, लेकिन वहीं पे अगर हम कह रहे हैं H2O तो H2O हमारे किसके अंदर आ जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर। Na हमारा एटम है, ऑक्सीजन हमारा एटम है, हाइड्रोजन हमारा एटम है, लेकिन अगर वहीं पे हम NaOH कह दें तो ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया। क्यों मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम एक एटम आया, ऑक्सीजन दूसरा एटम आया, और फिर हाइड्रोजन एक एटम आ गया, तो टोटल हमारे पास एक दो तीन एटम आ गए। तो अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या एटम से मिलकर कोई चीज बनी होती है तो उसको हम क्या नाम देंगे, कंपाउंड नाम देंगे। अब कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड को भी क्लासिफाई किया गया है क्लास किसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन और सम अदर एटम्स लाइक हो सकता है सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, डॉट डॉट, इनको हम कहते हैं हेट्रो एटम। क्लास याद रखना, आगे याद आने काम आने वाला है, इनको हम क्या कहते हैं, हेट्रो एटम कहते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करने के लिए चीजें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है। अब हम लोग बहुत आराम से देख के बता सकते हैं कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। लाइक हमने लिख दिया CH4, इसमें कार्बन हाइड्रोजन आया, तो इसका मतलब ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है। लाइक NaOH हमने लिख दिया, तो NaOH इसमें कार्बन हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, कार्बन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। ये वाला हमारा कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है इसके अंदर, कुछ एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन क्या है, कार्बोनेट की जितनी भी फॉर्म होती है, कार्बोनेट की जितनी भी फॉर्म होती है वो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं लेते हैं। कार्बोनेट जैसे H2CO3 हो गया, बाइकार्बोनेट NaSCO3 हो गया, ये सब ऑर्गेनिक के अंदर नहीं आता, ये सब किसके अंदर आता है, इनऑर्गेनिक के अंदर आता है। बाकी हम कोई भी ले लें, जैसे CH3, CH2OH जिसको हम एल्कोहल कहते हैं, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, ये भी किसके अंदर आएगा, ये सारे कंपाउंड हमारे ऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। इनऑर्गेनिक में क्या आएंगे, जैसे हमने कह दिया H2SO4, इसमें C नहीं आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। क्लास ये हम लोग का कौन सा कंपाउंड हो गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। तो फिर से देख रहे हैं, यूनिवर्स के अंदर हमारी कितनी चीजें आई थी, यूनिवर्स के हमारे दो अंदर चीजें आई थी, मैटर आया था और एनर्जी आई थी। मैटर था, एनर्जी थी। मैटर के अंदर हमारे दो पार्ट आए, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, स्टेट के अकॉर्डिंग हो गया। केमिकली अगर देखा जाए, तो दो आए थे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, जो हम चीजें मिला रहे हैं। अभी मिक्सचर पर हम बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कंपाउंड को, जो हमने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देखना, हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, कार्बन से हाइड्रोजन से मिले बने कंपाउंड जो होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे। इसमें सम हेट्रो एटम भी आ सकते हैं, ये सारे एटम हमारे हेट्रो एटम कहलाते हैं, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने देखा क्या, कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जो पार्ट हैं वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड नहीं होंगे, चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो छोटा सा पार्ट है इसको पहले हम खत्म कर देते हैं। तो इनऑर्गेनिक में कैसे कंपाउंड आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन से आते हैं, एसिड H2SO4, HCl, HNO3, ये हमारे क्या हो जाते हैं, एसिड होते हैं। बेसिकली अभी हम लोग ने लोअर क्लास में हम लोगों ने ये देखा है कि एसिड में हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो एसिड भी बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई हो जाएंगे, आरिनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, लुइस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे एसिड में। तो अभी हम लोग बेसिकली देखें कि एसिड क्या होता है। तो एसिड
में अभी हम लोगों ने लोअर क्लास में जो पढ़ाया ये पढ़ा है कि जो एच प्लस आयन रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, जो एच प्लस आयन रिलीज करते हैं, जो एच प्लस आयन अपना रिलीज कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में मिलाने पे एच प्लस आयन देंगे वो क्या होते हैं एसिड होते हैं। अच्छा बेस क्या होते हैं, तो बेस होते हैं जो अपने OH आयन देंगे जैसे NaOH, KOH या CaOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या हो गया बेस हो गया। सॉल्ट क्या हो गया, एसिड और बेस से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं वो सॉल्ट होते हैं, लेकिन सॉल्ट की बहुत सारी कैटेगरी है जैसे सिंपल सॉल्ट हो गया जैसे Na और NaOH और HCl से मिला NaCl, क्या मिला NaCl, तो सॉल्ट में आ गया NaCl, ये सॉल्ट सिंपल सॉल्ट, सिंपल एसिड और बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनता है वो हमारा कौन सा होता है सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, अगर हम बात करें डबल सॉल्ट क्या होता है, तो डबल सॉल्ट की बात करें, तो डबल सॉल्ट की बात करें तो दो सॉल्टों से मिलके जो सॉल्ट बना होगा, दो सॉल्टों से मिलके जो सॉल्ट बना होगा उसको हम डबल सॉल्ट कहेंगे, क्या कहेंगे डबल सॉल्ट। जैसे हमने कहा K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये हमारा कौन सा सॉल्ट हो गया 24H2, ये हमारा कौन सा सॉल्ट हो गया डबल सॉल्ट हो गया, ये हमारा क्लास कौन सा सॉल्ट हो गया डबल सॉल्ट हो गया। अच्छा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी लाइक डबल सॉल्ट की तरह होता है, बस दोनों में डिफरेंस ही होता है, इसको वाटर में डिसॉल्व करने में एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने में डिसोशिएट हो जाता है कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। रिपीट कर रहा हूँ, सॉल्ट में तीन कैटेगरी मैंने बताई है, सॉल्ट के अंदर मैंने तीन कैटेगरी बनाई है, एक सिंपल सॉल्ट जो एसिड और बेस से मिलकर बना होगा, एक डबल सॉल्ट है, एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो अलग अलग सॉल्टों से मिलकर बना हो। अब जैसे कि दो अलग अलग सॉल्ट, तो K2SO4 एक अलग सॉल्ट है, Al2SO4 का होल थ्राइस एक अलग सॉल्ट है, तो दो सॉल्टों से मिलकर बना है दैट इज डबल सॉल्ट, वो हमारा क्या हो गया डबल सॉल्ट हो गया। अब अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी लाइक डबल सॉल्ट की तरह होता है, बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि डबल सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। कंप्लीटली डिसोशिएट कैसे हो जाएगा, जैसे आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे इसके K+ के आयन अलग चले जाएंगे, SO4-2 के आयन अलग हो जाएंगे, ठीक है, Al के एल्यूमिनियम के आयन Al+3 एल्यूमिनियम के आयन अलग हो जाएंगे, ये सारे आयन अलग हो जाएंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लाइक K4Fe-CN का होल सीरीज, ठीक है। अगर हम इसको देखें, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होगा, फिर से सुनना क्लास, कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होगा। तो रिपीट कर रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस में हमने क्या देखा है, प्योर सब्सटेंस में हमने देखा है एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, एलिमेंट जो सिंगल एटम फॉर्म में होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं एलिमेंट होते हैं, या दो से ज्यादा एटम से मिलकर जो बना होता है वो हमारा क्या होता है कंपाउंड होता है। कंपाउंड के अंदर हमारी दो चीजें आई थी क्लास, कंपाउंड के अंदर हमारी दो चीजें आई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोगों ने देखा था एसिड आता है, बेस आता है, सॉल्ट आता है। एसिड अगर हम लोग अभी लोअर क्लास में ही बात करें, अभी बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड पे अभी हम लोगों ने आगे पढ़ा नहीं है, 11th में ही हमें आगे पढ़ना है, तो अभी हम बेसिक जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ उस हिसाब से अगर देखें तो एसिड को क्लासीफाई किया गया है दो सब्सटेंस विच रिलीज एच प्लस आयन, जो अपने एच प्लस आयन रिलीज करेंगे उनको हमने क्या कहा है एसिड। बेस जो अपने OH माइनस आयन रिलीज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, याद रखना किसमें एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा सॉल्ट क्या होते हैं, जो एसिड और बेस से मिलकर चीजें बनी होती है वो सॉल्ट होती है। सिंपल सॉल्ट जो सिंपल एक एसिड एक बेस से मिलकर बना होगा दैट इज सिंपल सॉल्ट हो गया। डबल सॉल्ट की अगर बात करें, क्लास फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डबल सॉल्ट की अगर बात करें तो डबल सॉल्ट क्या होता है, जो दो सॉल्टों से मिलकर बना होगा, नाम से ही समझ आ रहा है डबल सॉल्ट दो सॉल्टों से मिलकर बना होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी डबल सॉल्ट की तरह होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी डबल सॉल्ट की तरह होता है, बस बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में, डिफरेंस क्या होता है कि इसको एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिसॉल्व करने पे, एक्वस सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व करने में पूरी तरीके से जितने भी आयन होंगे इसके सारे आयंस में टूट जाएगा, सारे आयंस में टूट जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की तो पूरी तरीके से आयनाइजेबल नहीं होता है, पूरी तरीके से आयनाइजेबल नहीं होता है। इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो ये बाहर वाला पार्ट जो होता है वो केवल आयनाइजेबल होता है, ये हमारा टूटेगा 4K+ और FeCN का होल 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने की ट्रिक देख ली है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने की ट्रिक देख ली है, फिर हम लोगों ने एसिड बेस सॉल्ट देख लिया है। अब ऐसा कर रहे हैं इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसके बारे में और डिटेल में बताने जा रहा हूँ, मैं रन करके कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें मैं पूछूंगा कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं, आपको कैसे बताना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखो जरा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, उसके बाद
अब बेसिकली फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग की अगर इसकी बात करें तो जैसे हमने कि कोई एग्जांपल लिख दिया, हमने कोई लिखा CH3 CH2OH CH2 CH2 CH2, ये कोई कंपाउंड लिख दिया। उसके बाद हम लोगों ने CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये कोई कंपाउंड लिख दिया, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड लिख दे रहे। एक हमने ये कोई कंपाउंड लिख दिया। तो अब जैसे कि ये हम लोगों ने कंपाउंड लिख दिए, बहुत सारे कंपाउंड लिख दिए, अब हमें आइडेंटिफाई करना है। एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया, ठीक है, उसके बाद एक ये लिखा है Na, उसके बाद ये लिखा है लाइक हमने लिख दिया Mg, ये लिख दिया, उसके बाद लिख दिया मैंने He, ये बहुत सारी चीजें मैंने लिख दी। अब मैंने आइडेंटिफाई करना है, मुझे ये आइडेंटिफाई करना है, पहली बात तो ये मैटर है, मैटर के अंदर क्या होंगे, मैटर के अंदर अगर केमिकली देखा जाए तो केमिकली हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, एलिमेंट था और कंपाउंड था। तो इसमें से एलिमेंट कौन कौन है, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, ये सिंगल एटॉमिक फॉर्म में है, इसका मतलब ये एलिमेंट है, ये दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हो गया, ये भी दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल, ये भी दो से ज्यादा एलिमेंट से बना है, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल, दो से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल, दो से ज्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, ये भी क्या हो गया मॉलिक्यूल। तो चलो मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो गया। तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर ये देखना है तो देखो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में भी या कंपाउंड में भी कौन सा है, इनऑर्गेनिक है, कौन सा है इनऑर्गेनिक है, जबकि ये कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में किसका मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक का कंपाउंड है, ये किसका कंपाउंड है ऑर्गेनिक का, क्योंकि इसमें कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, प्लस मैंने बताया था कोई हेट्रो एटम भी आ सकता है, तो ये ऑर्गेनिक का हो गया, ये भी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हर जगह कार्बन हाइड्रोजन होने की वजह से ये कैसा हो गया ऑर्गेनिक। अगर हम इसमें देखें तो हर जगह कार्बन हाइड्रोजन की वजह से ये भी कैसा हो गया ऑर्गेनिक, ये एलिमेंट था ये ऑर्गेनिक के बजाय इनऑर्गेनिक है, ये किसके अंदर आएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन हेट्रो एटम आ रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया ऑर्गेनिक। तो ये हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आइडेंटिफाई कर लिया। अब ऑर्गेनिक के अंदर भी जाए तो अब कुछ नया मिलेगा हमें, यहाँ पे कुछ नया मिलने वाला है। ऑर्गेनिक के अंदर जाए तो ऑर्गेनिक के अंदर आता है साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ए साइक्लिक कंपाउंड गिरफ कर दिया था, ए साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड जो साइक्लिक नहीं होते, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड को हम कहते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक का एक पार्ट होता है। अब जैसे कि ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, ये इसमें कोई क्लोज चेन या रिंग टाइप की नहीं आ रही है, इसमें क्या कहेंगे ओपन चेन कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक के अंदर भी ओपन और क्लोज में क्या आएगा, तो ये ओपन चेन कंपाउंड है, या इसको हम कह सकते हैं ए साइक्लिक, ये कैसा कंपाउंड हो गया ए साइक्लिक कंपाउंड हो गया, कैसा कंपाउंड हो गया क्लास ए साइक्लिक कंपाउंड हो गया। तो देखो किसी भी कंपाउंड को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एलिमेंट है कि कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में ए साइक्लिक है कि साइक्लिक है। अब साइक्लिक में देखते हैं जरा इसमें आ जाता है, जैसे ये हमारा कोई कंपाउंड लिखा हुआ है, अब देखो ये क्लोज रिंग है ये साइक्लिक है, तो ये मॉलिक्यूल था या इसको कहते हैं ये कंपाउंड था, कंपाउंड में भी कौन सा था ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक के अंदर भी ये ए साइक्लिक है ये साइक्लिक है, तो ये क्लोज रिंग में है क्लोज चेन में है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइक्लिक, ये हमारा कौन सा हो जाएगा साइक्लिक हो जाएगा, ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो गया। अब साइक्लिक के भी अंदर आते हैं ये होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं क्लास, एक एक वर्ड को वीडियो को पॉज करके सुनते रहना, एक एक वर्ड को सुनते रहना, होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, जो केवल वो साइक्लिक कंपाउंड जो केवल कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ प्लस अदर एटम भी आते हैं, अदर एटम जिनको हम हेट्रो एटम कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बात करें तो देखो ये कंपाउंड था, ठीक है, और कैसा कंपाउंड था, कार्बन हाइड्रोजन से बना था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, कैसा कंपाउंड था ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर क्लोज रिंग का था, इसका मतलब ये क्या था साइक्लिक था, ये क्या था साइक्लिक। अब साइक्लिक के अंदर भी होमो है कि हेट्रो है, होमो है कि हेट्रो है, तो ये भैया कार्बन हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, इसका मतलब ये होमो है,
ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। कैसा कंपाउंड हो गया क्लास, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ये हमारा कैसा कंपाउंड हो गया, होमोसाइक्लिक। अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक का एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे ये लिख दिया, अब देखो ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, साइक्लिक, और ऑर्गेनिक के अंदर आएगा। ऑर्गेनिक के अंदर क्यों आएगा, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक की आइडेंटिफिकेशन बताई थी, कार्बन हाइड्रोजन से बना होगा। किससे किससे बना होगा क्लास, अगर कोई कंपाउंड हमारा कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्लास। वो क्या होता है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के अंदर साइक्लिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के अंदर क्लोज रिंग होने की वजह से साइक्लिक कंपाउंड है, और इसमें एक हेट्रो एटम आ गया। हेट्रो एटम, हमने बोला कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के जो अदर एटम होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रो एटम कहलाते हैं। तो इसमें हेट्रो एटम आने की वजह से ये सबसे पहली बात, तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर कौन सा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आ जाए तो ये हमारा साइक्लिक है, साइक्लिक के अंदर आ जाए तो ये हेट्रो, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब हेट्रोसाइक्लिक में भी एलीसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक की कंडीशन होती है, एरोमेटिक की कंडीशन होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा आइडेंटिफाई करना कि कौन से एरोमेटिक होते हैं, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें देखनी है, रेजोनेंस देखना है, हकल रूल को देखना है, बहुत सारी चीजें देखनी है, वो अभी आपको समझ नहीं आएंगी। लेकिन बस इतना समझ लो कि हाँ, दो तरीके के हैं, एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलीसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी चीजें उतनी समझ नहीं आएंगी, क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी अभी टेंथ से आए हो, आपका माइंड उतना शार्प नहीं है, तब भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बता दी, इतनी ज्यादा इंट्रोडक्शन में चीजें नहीं है। लेकिन बस मैं डिटेल में बताना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि आगे जाके धीमे धीमे, जैसे जैसे ही मेरा फर्स्ट वीडियो है 11th क्लास के लिए, धीमे धीमे जैसे हम आगे बढ़े आपके बेसिक अच्छे से क्लियर होते हैं। तो अब आगे हम बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने देख लिया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड देख लिया। ऑर्गेनिक में हम लोग ने होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक देख लिया। एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या है, इसमें रेजोनेंस जैसी कंडीशन होती है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, इनके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग पढ़ूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजोनाइड कंपाउंड क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग की तरह होते हैं उनको हम कहते हैं बेंजोनाइड, और जो बेंजीन रिंग की तरह नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। क्या कहते हैं, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, उनको हम कहते हैं नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। तो चलो, इतना पार्ट हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ लिया। सॉल्ट में एसिड और बेस से मिलकर जो बना होता है वो सॉल्ट होता है, ठीक है। अगर दो सॉल्टों से मिलकर बना है तो डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट की तरह ही होता है, बस वो पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेबल नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं मिक्सचर में, किसमें आ जाते हैं, मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस था, ये इम्प्योर सब्सटेंस, तो क्या होता है मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस। तो दो तरीके मिक्सचर होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब, ठीक है, होमोजीनियस मतलब क्या होगा, थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसकी कंसेंट्रेशन सेम होगी, थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसकी कंसेंट्रेशन सेम होगी। जैसे हमने शुगर को वाटर में मिलाया और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना उसमें हर कोने में शुगर की कंसेंट्रेशन, शुगर का अमाउंट वाटर के सॉल्यूशन में हर कोने में सेम होगा, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन और होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही एक तरीके से सॉल्यूशन बोला गया है, होमोजीनियस मिक्सचर को ही एक तरीके से क्या बोला गया है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में भी अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में भी होमोजीनियस सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो जिसमें हम दो चीजें मिलाते हैं जैसे ए और बी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दो चीजें मिलाते हैं वो हमारा बाइनरी होता है। अगर हम टर्नरी सॉल्यूशन की बात करें तो जिसमें हम तीन चीजें मिलाएंगे, ए, बी और सी। अगर क्वार्टरनरी की बात करें तो क्वार्टरनरी वो होगा जिसमें हम ए, बी, सी और डी, चार चीजें मिलाएंगे। चार चीजें मिलाने वाले को हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। चार चीजें मिलाने वाले को हम क्या कहेंगे, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो फिर से देखना, आज हम लोगों ने क्लास स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, जो भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जो हमें दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, वो सारी चीजें यूनिवर्स के अंदर केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्लासिफाई की हैं साइंटिस्टों ने। यहां तक कि हमारी जो फीलिंग है वो भी किसी ना किसी एनर्जी का कंपोजिशन होगी, किसी ना किसी एनर्जी का कंपोजिशन होगी।
हर चीज दो चीज में क्लासिफाई की गई है यूनिवर्स में. फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकंड वन इज एनर्जी. फर्स्ट वन इज मैटर, सेकंड वन इज एनर्जी. एनर्जी बहुत सारी होती थी, फिजिकल एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल बॉन्डिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बहुत सारी थर्मल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है. तो एनर्जी को फिजिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स के टीचर आपको एनर्जी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी को. अभी हम लोगों को मैटर में देखना था. मैटर में हम लोगों ने देखा कि मैटर में दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है, एक फिजिकल कंपोजिशन और एक केमिकल कंपोजिशन. अगर हम बात करें तो फिजिकल कंपोजिशन को हमने सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्लासीफाई किया था. केमिकल को हमने क्लासीफाई किया था, केमिकल को किसमें क्लासीफाई किया था, एक हमारा मिक्सचर था, एक था प्योर सब्सटेंस, ये था हमारा इम्प्योर सब्सटेंस. अब अगर हम बात करें कि मिक्सचर, जो हमारा मिक्सचर है, मिक्सचर कितने तरीके का था, तो होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन उसकी कंसंट्रेशन सेम है, तो वो हमारा क्या है, होमोजीनियस है. हेटरोजीनियस की अगर हम बात करें, हेटरोजीनियस को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, कोलाइडर और सस्पेंशन. कोलाइडर और सस्पेंशन, कोलाइडर सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन. कोलाइडर सॉल्यूशन क्या होता है, जिसका साइज जिनके पार्टिकल का साइज ठीक है सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है. सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे कोलाइडर सॉल्यूशन. ऐसे पार्टिकल को कहेंगे कोलाइडर पार्टिकल और ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे कोलाइडर सॉल्यूशन. जैसे कि जिसमें हमारा एक बेस्ट एग्जांपल रखा गया है मिल्क. मिल्क एक कोलाइडर सॉल्यूशन होता है जो किससे किससे बना हुआ है. मिल्क बना होता है ऑयल और वाटर के मिक्सचर से. तो ऑयल और वाटर ये दोनों पूरी तरीके से मिक्स होने वाले नहीं होते हैं, इस वजह से इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा गया. हेट्रोजीनियस मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी. थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी. अब आपने ऑयल और वाटर को मिलाया तो ऑयल और वाटर पूरे सॉल्यूशन में एक जैसा नहीं रहने वाला है, एक जैसा नहीं रहने वाला है. इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहेंगे. तो बेसिकली क्लास आज हम लोगों ने ये सारे टर्म हम लोगों ने पढ़ लिए. हम लोग का एक छोटा सा पार्ट रह गया है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है. एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो एलिसाइक्लिक अपने आप हो जाएगा. एरोमेटिक को आइडेंटिफाई करने के लिए चार कंडीशन है, वो बहुत ज्यादा डिटेल में, वो भी आपको समझ नहीं आएंगी, उसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा. तो आज हम लोगों ने जो समझा उतनी सारी चीजें, एक एक वर्ड आपको समझ आई. स्टार्टिंग में थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने बताया था. क्यों जल्दी बताया था, क्योंकि वो सारी चीजें सॉलिड, लिक्विड, गैस आपने पढ़ा हुआ है, एलिमेंट कंपाउंड आपने पढ़ा हुआ है. तो बेसिकली आप लोग का होमवर्क क्या है, आप लोग का होमवर्क ये है कि कुछ कंपाउंड में लिख दे रहा हूँ, उन कंपाउंड को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो कंपाउंड हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, ये देख के हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो चलो देखते हैं हम किस कैटेगरी में आएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. जैसे कि अगर हम बात करें, हमने बात कर लिया H2SO4 ठीक है. तो सबसे पहले की बात करते हैं, सबसे पहले केमिकली कंपोजिशन में डिवाइड करें. यहाँ पे जैसे केमिकल कंपोजिशन में दो टाइप में डिवाइड था, एक था एलिमेंट और एक था हमारा कंपाउंड. तो केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करें तो ये हमारा एलिमेंट है कि कंपाउंड है. तो ये हमारा दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड है. कंपाउंड के अंदर भी कौन सा है, ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक. क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं आ रहा है. इनऑर्गेनिक के अंदर भी ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है. एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, ये क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है. तो भैया इसके अंदर ये H+ आयन रिलीज कर सकता है एक्वो सॉल्यूशन में डालने पे, ये अपना H+ आयन रिलीज कर सकता है. इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह. तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, एसिड की तरह ठीक है. उसके बाद ऐसे आप किसी को भी क्लासीफाई कर सकते हो. अब जैसे कि मैंने एक ये कंपाउंड बना दिया, अब ये कंपाउंड आपको पूछा जाए कि ये कंपाउंड क्या है, तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो कॉर्नर होते हैं इसमें कार्बन होते हैं और कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक दो तीन, जो नहीं दिखाई देगा उतने एच होंगे इसके बाद. अब इस कॉर्नर पे भी कार्बन होगा, एक दो तीन बॉन्ड है, इसका मतलब एक एच आएगा. इस कॉर्नर में भी कार्बन एक दो तीन बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास एक एच होगा. एक दो तीन बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास एक एच होगा. अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है. अगर ये कार्बन हाइड्रोजन से बना है तो ऑर्गेनिक आया. ऑर्गेनिक के अंदर एसाइक्लिक है, ये साइक्लिक है, तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज रिंग वाला है. साइक्लिक, साइक्लिक के अंदर भी होमोसाइक्लिक है कि हेट्रोसाइक्लिक है, तो कार्बन को हाइड्रोजन को छोड़ के भी कुछ आ रहा है. इसका मतलब ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक हो गया. हेट्रोसाइक्लिक के अंदर ये एलिसाइक्लिक है कि एरोमेटिक है, तो उसके लिए मैं आपको अलग से कंडीशन बताऊंगा.
तो क्लास आज की वीडियो में इतना ही। आज हम लोगों ने केवल केवल इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रोडक्शन दिया था केमिस्ट्री में। जो बच्चे 10th से 11th में अभी अभी आए हैं, ठीक है, उन्होंने को इंट्रोडक्शन देना था कि कैसे हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स याद रखने के लिए मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया था। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, या फिर जिसको हम कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट, उसका ये स्टार्टिंग वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ करना, चीजों को कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो क्लास आज की वीडियो के लिए इतना ही।